नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अगर आपने ट्रेन में सफर किया है तो भूख लगने पर रेल में मिलने वाला खाना भी खाया होगा, और अगर खाना खाया है तो क्या कभी ये पूछा है कि जो खाना आप खा रहे हैं वो किस जाति धर्म के लोगों ने बनाया है, या फिर जो आप तक खाना लेकर आया है वो किस जाति या धर्म का है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा बेतुका सवाल है, ये भी भला कोई पूछता है। अगर हम कहें हाँ तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, मगर ये सच है। दरअसल 7 नवंबर के अखबार में नौकरी के लिए एक विज्ञापन निकला था। ये विज्ञापन था ट्रेनों में खाना बेचने वाली कंपनी वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स का, जो आरके एसोसिएट्स के तहत काम करती है। इस कंपनी ने जो विज्ञापन निकाला था वो जाति आधारित था। इस विज्ञापन में कंपनी ने ट्रेन केटरिंग मैनेजर, बेस किचन मैनेजर और स्टोर मैनेजर के पदों पर 100 लोगों की नियुक्ति करने के लिए कहा था। हालांकि विज्ञापन में कहा गया था कि अभ्यर्थी को अग्रवाल वैश्य समुदाय से होना चाहिए, इसके साथ ही उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सही होनी चाहिए। इन पदों पर 12वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कंपनी की आलोचना की जा रही है और यूजर्स विज्ञापन की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। इस विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी के बागी नेता और कवि कुमार विश्वास ने लिखा, बेहद शर्मनाक सोच व कार्य, संविधान की मर्यादा को तार तार करते संस्थान के विरुद्ध एक कठोर व मानक कार्यवाही, सरकार के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारे को सत्य सिद्ध करेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल, सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आशा है आप सब जो कहते रहे हैं उसे मानते भी होंगे ही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव ने तंज मारते हुए ट्वीट किया, रेलवे का ठेका लेने वाली वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स कंपनी को नौकरी हेतु 100 पुरुष चाहिए, लेकिन इस कंपनी की एक महत्वपूर्ण शर्त है कि नौकरी में आवेदन करने वाले सभी लोग अग्रवाल वैश्य समुदाय के ही होने चाहिए। इन्हें ब्राह्मण, राजपूत, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला स्टाफ नहीं चाहिए। ये मामला तूल पकड़ते देख IRCTC तुरंत एक्शन में आया और रेलवे में नौकरी के लिए दिए गए विज्ञापन में जाति विशेष के लोगों को प्रमुखता देने पर विज्ञापन जारी करने वाली कंपनी को फटकार भी लगाई। फटकार के बाद इस कंपनी ने अपने HR मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया है। IRCTC ने कहा कि उसने इस मामले को गंभीरता से लिया है, कॉन्ट्रैक्टर को जाति आधारित विज्ञापन नहीं देने और किसी भी जाति, समुदाय, धर्म या क्षेत्र के उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है। बता दें, जिस ठेकेदार ने ये विवादित विज्ञापन दिया है उसके अंडर 100 ट्रेनों में केटरिंग सेंटर चलते हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 5000 लोगों का स्टाफ है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग की फील्ड में कंपनी 50 साल से काम कर रही है।